मारुति ने कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने ही दो कारों के बीच में अपने बायर्स के लिए एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। हम बात कर रहे हैं मारुति की मोस्ट पॉपुलर हैचबैक कार मारुति बलेनो और मारुति की लेटेस्ट कार मारुति फ्रॉन्क्स के बीच। जब से फ्रॉन्क्स लॉन्च हुई है तब से बायर्स के मन में कंफ्यूजन सी क्रिएट हो गई है कि उन्हें एक हैचबैक कार लेनी चाहिए या एक न्यूली क्रॉसओवर सेगमेंट की तरफ जाना चाहिए। तो आज आपकी यही कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम कंपेयर करने वाले हैं मारुति बलेनो के सिग्मा वेरिएंट एंड फ्रॉक्स के सिग्मा वेरिएंट को। सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विशाल सिंह एंड वेलकम टू रियल कार फैक्ट्स। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं दोनों कारों के प्राइसिंग। बात करें मारुति बलेनो के सिग्मा वेरिएंट की तो मारुति बलेनो का सिग्मा वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 7,55,000। वहीं मारुति फ्रॉन्क्स का सिग्मा वेरिएंट आपको कॉस्ट करेगा 8,52,000। सो दोनों कारों के बेस वेरिएंट में आपको ऑलमोस्ट 1,00,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। बात करते हैं दोनों कारों के इंजन स्पेसिफिकेशन की। मारुति बलेनो में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर के सीरीज इंजन देखने को मिलेगा जो कि काफी टाइम से मारुति यूज कर रही है एंड काफी ज्यादा रिलायबल इंजन है इसका। एंड वहीं मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी इंजन देखने को मिलेगा जो कि मारुति अपनी सारी न्यू कार्स में यूज कर रहा है। रिलायबिलिटी और इंजन परफॉर्मेंस के मामले में दोनों ही इंजन काफी अच्छे हैं अपने सेगमेंट में। बात करें दोनों कार्स के पावर फिगर की तो मारुति बलेनो का 1.2 लीटर इंजन आपको जनरेट करता है 88.50 bhp की पावर एंड 113 nm का टॉर्क। वहीं मारुति फ्रॉन्क्स का 1.2 लीटर आपको जनरेट करता है सेम 88 bhp की पावर एंड 113 nm का टॉर्क। सो पावर फिगर के मामले में दोनों ही कार सेम है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे एंड बात करते हैं दोनों कारों के डायमेंशन। बट उससे पहले, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक टू दिस वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल बिकॉज इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव एंड एंटरटेनिंग कंटेंट हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं दोनों कारों के डायमेंशन। दोनों कारों की लेंथ की बात की जाए तो मारुति बलेनो में आपको 3,990 mm की लेंथ मिलती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 3,995 mm की लेंथ मिलती है। तो लेंथ में मारुति फ्रॉन्क्स थोड़ी सी ज्यादा है मारुति बलेनो से। वहीं बात की जाए दोनों कारों के विड्थ की तो मारुति बलेनो में आपको 1,745 mm की विड्थ मिलती है, वहीं फ्रॉन्क्स में आपको 1,765 mm की विड्थ मिलती है। तो विड्थ के मामले में भी मारुति फ्रॉन्क्स थोड़ी ज्यादा है बलेनो से। बात की जाए दोनों कारों के हाइट की तो मारुति बलेनो में आपको 1,500 mm की हाइट मिलती है, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स में आपको 1,550 mm की हाइट मिलती है। तो मारुति फ्रॉन्क्स हाइट के मामले में भी थोड़ी ज्यादा है मारुति बलेनो से। बात की जाए दोनों कारों के व्हील बेस की तो दोनों कारों में सेम व्हील बेस आपको ऑफर किया जाता है। दोनों कारों में आपको 2,520 mm का व्हील बेस मिलता है। सो कंफर्ट के मामले में दोनों ही कार आपको ऑलमोस्ट सेम कंफर्ट ऑफर करती है। बात की जाए दोनों कारों के कर्व वेट की तो मारुति बलेनो का जो कर्व वेट है वो है 920-955 kg, वहीं मारुति फ्रॉन्क्स का जो कर्व वेट है वो है 965-970 kg। तो मारुति फ्रॉन्क्स बिकॉज वो एक SUV कार है, एक क्रॉसओवर कार है, तो थोड़ी सी वेट में थोड़ी ज्यादा है मारुति बलेनो से। अब बात करते हैं दोनों कारों में मिलने वाले कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की। तो दोनों ही कार में आपको पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज, फ्रंट एंड रियर, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, लो फ्यूल वार्निंग लाइट, एक्सेसरी पावर आउटलेट, रियर हेडरेस्ट, फ्रंट एडजस्टेबल हेडरेस्ट एंड गियर शिफ्ट इंडिकेटर एक स्टैंडर्ड फीचर्स के तौर पे मिलते हैं। सो फीचर्स के मामले में मारुति ने कोई कंजूसी नहीं करी और अपने बेस वेरिएंट में ही सारे बेसिक फीचर्स आपको दे रही है। अब बात करते हैं दोनों ही कारों में मिलने वाले सेफ्टी फीचर्स। तो दोनों ही कारों में आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ब्रेक असिस्ट, सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, 2 एयरबैग्स, डे नाइट रियर व्यू मिरर, हैलोजन हेडलैम्प्स, रियर सीट बेल्ट जैसे बेसिक सेफ्टी फीचर्स आपको मिलते हैं। बट इसके अलावा मारुति फ्रॉन्क्स में आपको एक और सेफ्टी फीचर्स मिलता है, वो है इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, जो कि आपको मारुति बलेनो के बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कार फीचर सेफ्टी एंड इंजन परफॉर्मेंस के मामले में सेम है, बट डायमेंशंस में डिफरेंस होने के कारण दोनों ही कारों के रोड प्रेजेंस में काफी ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। एक कार हैचबैक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रही है और दूसरी कार क्रॉसओवर सेगमेंट को। तो दोनों ही कारों की जो रोड प्रेजेंस है उसमें काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। मारुति फ्रॉन्क्स आपको एक बड़ी कार का फील देती है और एक रिफ्रेशिंग न्यू लुक के साथ आई है। एंड पर्सनली बलेनो के कंपैरिजन में मुझे इसके लुक ज्यादा अपीलिंग लग रहे हैं, और जैसे कि आपने देखा इंजन में कोई डिफरेंस नहीं होने के कारण मेरा जो पॉइंट जाता है वो फ्रॉन्क्स की तरफ जाता है बिकॉज फ्रॉन्क्स में आपको टर्बो इंजन का ऑप्शन भी मिलता है। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रॉन्क्स एक बेटर कार हो सकती है बलेनो के कंपैरिजन में। अगर आप मेरी राय से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या अभी भी आपको लगता है कि मारुति की ये मोस्ट पॉपुलर हैचबैक कार फ्रॉन्क्स के कंपैरिजन में एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।
गाइस अगर अभी चैनल में नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल और बनो हमारी फैमिली का पार्ट। एंड हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करना ना भूलें, इंस्टाग्राम पे भी हम कार से रिलेटेड नए अपडेट्स डालते रहते हैं। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।